हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बीएमजेएनबी क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास में एंड तक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन ठीक टाइम शाम को 7 बजे आपके पास में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि आपकी क्लास बेटा शाम को 7 बजे डेली स्टार्ट हो जाती है। तो काम अपना जो फ्री होकर बैठिएगा, उसके बाद में शाम को 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेना है। जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आपके लिए एक घंटा, आधा घंटा या पौन घंटा जो हमारी क्लास हुई उसके लिए अटेंड करना पड़ेगा। बहुत बेस्ट क्लास यहाँ पर चल रही है, यकीन मानिए एक बार अटेंड करके जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। और हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पेज पर, यहाँ पर टेलीग्राम जो हमारा चैनल है बीएमजीएनबी क्लासेस, यहाँ पर भी जरूर ज्वाइन करिएगा। कोई भी आपके लिए स्टडी से रिलेटेड 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय का मेटेरियल यहाँ पर दिया जाएगा, वो आपके लिए यहीं पर मिलने वाला है। कहाँ? टेलीग्राम जो चैनल है बीएमजीएनबी क्लासेस, ठीक है। और आपका कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप है 7452902020, इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अब कोई भी अगर आपकी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। और इन दोनों का आपके लिए लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां पर आप जाइए। टेलीग्राम ग्रुप लिंक होगा और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो अपने आप ही वहां से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी बच्चे इस क्लास के लिए शेयर कर दें उन दोस्तों के लिए जो 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। जल्दी से सभी बच्चों शेयर कर दो, उसके बाद हम क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे भाई शेयर कर दो फटाक से, फिर स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास के लिए हम। और कल हमारी मेंटल एबिलिटी की बेटा क्लास हुई थी, आप जानते हो, और बहुत अच्छे आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो सभी बच्चे, और रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है। कुछ बच्चे हैं रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं, भाई उनका सिलेक्शन तो होना ही होना है। लगातार पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन भाई नहीं रोकने वाला है कोई। और कुछ स्टूडेंट क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो भाई आप जानो, मेरा काम है पढ़ाने का, आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, वो भी फ्री में। फ्री में भाई आपके लिए कहीं पर नवोदय का पूरा सिलेबस कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आप सर्च कर सकते हो। पेड जो होता है कोर्स, ऐप पर जाओगे, वहाँ पर आप 4-5 हज़ार रुपये खर्च करोगे, फिर वहाँ पर आप भाई पढ़ोगे जाके। यहाँ पर सारी चीज़ें फ्री में आपके लिए अवेलेबल हैं। यूट्यूब चैनल पर अरहंत बुक पूरी कराई जा रही है, तो क्या समस्या है भाई, पढ़ लो। समस्या क्या है भाई, आप रुपये दोगे तो भाई पढ़ोगे वहाँ पर जाकर, भाई आप जानो इस चीज़ को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज क्लास के लिए। तो हमारे क्वेश्चंस हो गए थे, क्वेश्चन बेटा हो गए थे हमारे 12 तक हो गए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 बेटा हमारा रह गया था, और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वाला जो आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम हमारे लास्ट क्लास में कम था, जब मैथ्स की हमारी क्लास थी तो उस क्लास में टाइम थोड़ा कम रह गया था, और जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, जल्दबाजी में हम समझाते तो आपके लिए समझ में नहीं आता। तो चलिए आज समझ लेते हैं। देखिए, 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, यदि वे प्रातः 9 बजे 1:07 बजी तो वो कब फिर एक बार 1:07 बजेंगे। अब सुनो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जो आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा है, इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपके लिए दो वर्ड्स, कुछ चीज़ें हैं दिमाग में सेट कर लेनी है कि इसमें इस तरह का ही क्वेश्चन होगा। देखो, कहा जाए 3 घंटियां 4 घंटियां 5 घंटियां, ठीक है, या आपकी ट्रैफिक लाइट होती है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आएँ तो वहाँ पर क्या कहा जाए कि 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट के अंतराल पर, या 18 मिनट 21 मिनट 24 मिनट के अंतराल पर, या 15 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट के अंतराल पर, मतलब अंतराल की बात की जाए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 12:15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, यदि वे प्रातः 9 बजे 1:07 बजी हो तो दोबारा से वह कब फिर से एक बार 1:07 बजेंगी, ये क्वेश्चन कहा जाए। तो आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन सामने आपके है, अंतराल वाला पार्ट जो है 12, 15 और 18, ठीक है, 12, 15, 18, आपके लिए कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लो बेटा। एलसीएम कितना आएगा, 2 × 12, 2 × 18, ठीक है, 3 से करोगे 3 × 2 = 3, 5 × 3 = 3, ठीक है, फिर 2 से करोगे, फिर 3 से कर लो, फिर 5 से कर लो। अब देख लो बेटा, आपका इसका एलसीएम क्या निकल कर आया उसे हम देख लेते हैं।
ठीक है। हमने क्या किया, जहां अंतराल की बात आई, जहां पर अंतराल की बात आई तो वहां पर हमें क्या करना है, उन संख्याओं का, उन नंबर्स का एलसीएम निकाल लो, लासा निकाल लो। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने एलसीएम निकाला तो कितना आएगा, 5 × 15 × 30 और 3 × 90 × 180। अब 180 ये बेटा क्या निकल कर आया, ये मिनट निकल के आए या नहीं आए बताओ, जल्दी से बताओ, 120 मिनट है या नहीं है, क्यों है, 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं, तो ये मिनट वाला पार्ट है या नहीं है। जब मिनट वाला पार्ट है तो ये क्या निकल कर आएगा, आपका मिनट में निकल कर आएगा, ठीक है, बात क्लियर है। आगे बढ़े, जल्दी से बताओ थम्स अप करके, सर यहां तक हमें कोई डाउट नहीं है, सर आगे बढ़िए, जल्दी से कमेंट करो, यहां तक बिल्कुल सभी के चीजें क्लियर हैं, कितना आया 180 मिनट आ गया। अब आगे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यदि बे प्रातः 9 बजे 1:07 बजियों, जो आपका टाइम दे रखा हो क्वेश्चन में, 9 बजे 1:07 बजती हो, 11 बजे 1:07 बजती हो, 12 बजे 1:07 बजती हो, तो हमने सबसे पहले किया अंतराल वाले पार्ट का जो नंबर्स दे रखे थे उनका हमने बेटा क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया, लासा निकाल लिया, तो लासा कितना निकल कर आया, 180 निकल कर आया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्या है, 180 मिनट है और टाइम दे रखा है 9 बजे, ठीक है। जो टाइम आपके लिए क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके लिए इसमें जोड़ देना है, जो एलसीएम निकल कर आएगा उसको हमें टाइम में जोड़ देना है, ऐड कर देना है, बात क्लियर हो रही है, हमें टाइम में जोड़ देना है, ऐड कर देना है। अब कैसे करोगे, बात ये आती है, कैसे करोगे, देखो जब हमारी घड़ी होती है, घड़ी में ये वाला पार्ट कौन सा होता है, घंटा वाला पार्ट होता है, हॉवर वाला, और ये कौन सा होता है बेटा, मिनट वाला पार्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसमें मिनट वाले पार्ट में 180 जोड़ें, क्या पॉसिबल है, क्या हम जोड़ सकते हैं इसे, बताओ जल्दी बताओ, क्या हम मिनट वाले पार्ट में 180 के लिए जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हमारे मैक्सिमम मिनट्स कितने होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट से ज़्यादा हम मिनट वाले पार्ट में कभी भी नहीं लिख सकते। आप कहो कि सर 61 लिख दो 62 लिख दो, नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन में हम कहें बेटा ये 60 मिनट है तो इसमें कितने घंटे होंगे, 60 मिनट है बेटा इसमें कितने घंटे होंगे, तो आप कहोगे सर 1 घंटा होगा। हम आपसे पूछेंगे बेटा क्यों होगा बताइए, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में सर 60 मिनट होते हैं, सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप। हम कहें 120 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो आप कहोगे सर 2 घंटा होंगे। हम कहें 120 मिनट हो गए, पढ़ते पढ़ते मुझे 120 मिनट हो गए, तो इसका मतलब कितना हो गए, 2 घंटे हो गए, हो गए 2 घंटे। हम कहें 180 मिनट में कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 3 घंटे होंगे, बात क्लियर हो रही है सभी के, बात क्लियर है सभी के, जल्दी से बताओ कमेंट करके, यहां तक किसी का कोई डाउट समस्या हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो यहां पर 120-180 मिनट में कितना हो गए, 3 घंटे हो गए, और हमें ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी ध्यान से सुनो, जब भी आपके लिए मिनट से कहां घंटे में चेंज करना हो, ठीक है, मिनट से घंटे में चेंज करना हो, तो आप मिनट वाले पार्ट में, जो मिनट है 180, मिनट में 60 का भाग लगा दो, 60 का भाग लगा दो, तो हमारा वो क्या बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, घंटा बन जाएगा, बात क्लियर हो रही है। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, सुनिए दोबारा से, जब भी हमें मिनट वाले पार्ट को घंटे में कन्वर्ट करना है, घंटे में चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट वाले पार्ट में 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 60 का भाग लगाना पड़ेगा। आपके सामने फॉर एग्जांपल एक इस तरह से दे रखा है 120 मिनट, हम कहें बेटा इसमें कितने घंटे होंगे, तो आप कैसे बताओगे, इस तरह से बताओगे, अभी मैंने बताया है मिनट वाले पार्ट में, वो मिनट वाले पार्ट के लिए जब हमें घंटे में चेंज करना होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे, उसमें 60 से भाग लगाएंगे, मिनट वाला पार्ट ये है
और घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 से भाग लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 120 मिनट में 2 घंटे हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर देखिए अभी निकाला है हमने। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई, चलो आगे बढ़े अब, चलो आगे बढ़ लेते हैं अब। तो यहाँ से हमारे कितने आ जाएंगे बेटा, कितने आ जाएंगे, 180 मिनट में कितने घंटे हो रहे हैं बेटा, 3 घंटे हो रहे हैं। 180 मिनट बोल लो या 3 घंटे बोल लो, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये घंटे वाला पार्ट है और ये मिनट वाला पार्ट है। जब यहाँ पर घंटा निकल कर आया है, ओवर वाला पार्ट निकल कर आया है, तो हम ओवर वाले पार्ट के लिए ओवर वाले पार्ट में ही जोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। आप कहो 3 ओवर्स निकल के आया है तो हम मिनट वाले पार्ट में जोड़ दें, तो बिल्कुल आपका रॉन्ग होगा, गलत होगा और नंबर आपके लिए एक भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये ओवर्स वाला पार्ट है तो हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, 3 घंटे दिए हुए हैं पूरे कंप्लीट, क्या है 3 ओवर्स हैं और मिनट कोई भी नहीं है, तो मिनट वाले पार्ट में नीचे 0 लिख लो, ठीक। अब देख लो यहाँ से 0 0 और 9 3 12, अब देखो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बेटा सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ थम्स अप करके, सर हमें बिल्कुल समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अगर भाई क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करो, और जो चैनल पर अभी जुड़े हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, वन ऑफ द बेस्ट क्लास यहाँ पर दी जा रही है BMJNB क्लास पर। एक बार हमारे पुराने क्लास को चेक करके देख सकते हैं, एक तरफ से आपके लिए सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 13। 12 ऑलरेडी हम कर चुके हैं मैथ्स की, जब क्लास थी आपकी लास्ट क्लास मैथ्स की, ठीक है, उसमें कर चुके हैं। लास्ट क्लास आपकी रिवीजन क्लास थी, उससे पहले एक मैथ्स की क्लास थी, उस क्लास में हमने कर लिया था 11 क्वेश्चन के लिए, सॉरी 12 के लिए। आ जाओ भाई 13 क्वेश्चन पे आ जाओ, जल्दी से भाई बताओ इस क्वेश्चन को कौन कौन कर लेगा, भाई सभी लोग आंसर दें, सभी बच्चे भाई, किसी का जो आंसर है रुकना नहीं चाहिए भाई, जल्दी से बताओ। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, बच्चे कर लेंगे, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। बताओ इसका HCF निकाल के बताना है आपके लिए, क्या बताना है, HCF बताना है, माशा बताना है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे कितना आएगा। बताओ भाई, देखो कैसे निकालोगे, जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, डेली क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए सारे डाउट्स, सारी समस्याएं और इस तरह के क्वेश्चन सभी आते होंगे, वो डेली पढ़ रहे हैं क्योंकि लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उसके लिए क्लास में, उसके लिए डेली रिविज़न भी कर रहे हैं। तो यही है, जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो भाई आप तो कर ही लोगे, अगर नहीं करोगे तो भाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलो इसका HCF निकालना है, मैं आपसे पूछूं बेटा आप कैसे करोगे, तो आप कहोगे सर आपने बताया है कोई भी नंबर दे रखे हो उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, जब HCF की बात आएगी तो सर उसके लिए असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, आरोही क्रम में लगा लो, ठीक है, ये ऑलरेडी आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। आप कैसे करोगे, तो सबसे पहला काम हमारा है स्टार्टिंग के 2 नंबर्स को देखना, सुनना ध्यान से, स्टार्टिंग के 2 नंबर को देखना। तो हम 45 से क्या करेंगे बेटा, 75 के लिए डिवाइड करेंगे, 45 बन जाए 45, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। अब हमारा इससे करेंगे, इसके लिए 45 के लिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 से करेंगे इसके लिए। भाई ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से समझाई हैं, तो भाई पुरानी क्लास जाकर जरूर देख लें जो नए हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ से 15 क्या आ गया, HCF निकल कर आ गया किसका, 45 और 75 का। तो यहाँ से 15 से अब हम क्या करेंगे, 165 को डिवाइड करेंगे, तो 15 बन जा 15, यहाँ से 1 और 15 बन जा 15, तो यहाँ से बेटा HCF कितना आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। देखते हैं भाई, मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल बेटा आपका सही हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे भाई आंसर आ गया बच्चों का, वेल डन।
भाई कुछ बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, खुशी होती है ये देखकर, ठीक है, लगातार भाई जुड़े रहते हैं, लास्ट तक क्लास को पूरा अटेंड करते हैं। चलो आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए, मिस्टर भाटिया डिस्ट्रीब्यूट्स 75 पेंसिल्स एंड 60 इरेजर्स इक्वल्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हिज क्लास। देखो श्रीमती भाटिया जी हैं, मिसेस हैं सॉरी, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिल व 60 रबर्स बांटती हैं, उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। देखो इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ लाइंस होती हैं, जिसको देखकर हमें पता लग जाता है इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने लास्ट सेकेंड क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था 13, इससे पहले क्वेश्चन कौन सा वाला, अंतराल वाला। जब अंतराल की बेटा बात आएगी तो वहां पर आपका क्या होगा, हमेशा HCF निकलेगा, सॉरी LCM निकलेगा, लासा निकलेगा, फिर उसके बाद में जो समय दे रखा होगा नीचे, टाइम दे रखा होगा कि 8 बजे एक साथ बजती है, तो दोबारा से वह कब एक साथ बजेंगे, तो जो वहां पर लासा निकल कर आया फिर हमने वहां से घंटे में चेंज कर लिया, फिर उसके लिए उसमें जोड़ दिया तो आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं वो आपके लिए बता देंगे क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो आपके लिए याद रखना है, अंतराल वाला याद रखना है। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन में कहा गया है, विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटी गई, तो कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं। जहां पर अधिकतम की बात आ जाए, मैक्सिमम की बात आ जाए, तो वहां पर बेटा आप कुछ मत करो, बिना सोचे समझे उस नंबर को जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं उसको लिख लो। लिख लिया, बात क्लियर है जी सर, बिल्कुल लिख लिया, अब क्या करें सर। सुनो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसके लिए लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया हमने, तो जहां अधिकतम की बात आएगी, मैक्सिमम की बात आएगी, तो वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर हमेशा आपका HCF निकलेगा, मासा निकलेगा, तो 60 से हम भाग करेंगे 75 के लिए, तो 60 बन जाए क्या आ जाएगा 60, यहां से घटाओगे तो 15, और 15 से आप इसके लिए भाग करोगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा, ठीक है, तो 60 क्या आ जाएगा आपका HCF निकल कर आ जाएगा, सॉरी 15, ठीक है, तो 15 उसकी कक्षा में कितने अधिकतम विद्यार्थी थे, तो 15 अधिकतम विद्यार्थी थे, बात क्लियर हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, बताओ जल्दी बताओ, अब तो नहीं भूलने वाले हो, क्या याद करना है आपके लिए, अधिकतम और मैक्सिमम दो वर्ड याद कर लो, वहां पर हमेशा आपका क्या निकलेगा, इंग्लिश वाले मैक्सिमम और हिंदी वाले अधिकतम याद कर लो, वहां पर आपका हमेशा HCF निकलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी से बताओ, ये भाई क्वेश्चन आप पे नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने भाई क्लास को अच्छे से नहीं देखा है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो आपने पुरानी क्लास को हमारे अच्छे से नहीं देखा है। ये क्वेश्चन भाई हमने लास्ट क्लास में कराया था जब ये चैप्टर चल रहा था हमारा तब। जल्दी से भाई सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कितना आएगा। बताओ भाई जल्दी बताओ कितना आएगा इसका आंसर। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन जो हमने कराया था, एक बार फिर मैं बताता हूं आपके लिए कौन सा था क्वेश्चन। क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 12 क्वेश्चन की तरह है। क्या बताया था मैंने, बताया था जहां पर आ जाए लीस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या, वहां पर आपके लिए बिना सोचे बिना समझे LCM निकाल देना है, लासा निकाल देना है। बताया था भाई अगर पढ़ा होगा तो आपके लिए जरूर याद होगा पक्का। क्या है संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है, LCM निकाल दो, छोटी से छोटी की बात आएगी तो बड़ी से बड़ी की बात आए बेटा, तो वहां पर क्या होगा आपका हमेशा HCF निकलेगा, मतलब मासा निकलेगा,
ठीक है, तो पाँच से काट लेते हैं, पाँच या पंद्रह, पाँच पंजे पच्चीस और पाँच छक तीस, ठीक है, तीन से काट लेते हैं, पाँच दो से काट लो, पाँच से काट लो, तो इसका बेटा एलसीएम की अगर बात करें तो क्या आ जाएगा, पाँच या पंद्रह दो तीस और तीस पंजे डेढ़ सौ, तो 150 यही है, 150 ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा वाला सही है बेटा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, मैंने बताया था जहां पर लीस्ट नंबर छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी तो वहां पर आपके लिए क्या करना है बेटा, आपके लिए एलसीएम निकाल देना है, मतलब लाशा आपके लिए निकाल देना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अरे वाह मजा आ गया, ये क्वेश्चन सर अभी आपने कराया था, करके दिखाओ सभी बच्चे, जल्दी से आंसर बता दो भाई फटाक से, सभी बच्चे बताओ बताओ भाई, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, जल्दी से। और भाई जो जो सेशन में अभी जुड़ा है तो सेशन को भाई लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें, अदरवाइज नोटिफिकेशन आपके पास में नहीं पहुंच पाएगा हमारी क्लास का। चलो बताओ जल्दी बताओ कौन सा है, देखो अभी बताया था ट्रैफिक लाइट्स की बात आएगी, ट्रैफिक लाइट्स की बात जब भी आएगी तो वहां पर आपके लिए क्या करना है, फिर देख लो 10, 15 and 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं या अंतराल पर चमकती हैं, पहले वह 10 मिनट, फिर उसके बाद में 15, फिर 20, पहले 10 मिनट पर चमक रही है, फिर इसके पश्चात 5 मिनट के पश्चात पर चमक रही है, फिर 5 मिनट के पश्चात चमक रही है, मतलब बाद में चमक रही है, तो आपको क्या करना है बेटा, आप कहोगे सर आपने बताया था तुरंत इनका एलसीएम निकाल दो, चलो निकाल लेते हैं भाई एलसीएम, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 1 2 2 2 4, यहाँ से 3, तो यहाँ से 5 × 2 × 2 × 3, तो 5 × 10 × 20 होती हैं 60, ये 60 निकल कर आ गया, अभी किस में है, मिनट में दिए हुए हैं सभी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा, बताया था बहुत अच्छे से बताया, कह रहा है एक साथ में प्रातः 6:10 चमकती हैं, इससे पहले वह 6:10 अगर चमकती हो तो दोबारा से वह फिर से कब चमकेंगी, तो कैसे करोगे, कहोगे सर आपने बताया था जो टाइम दे रखा होता है उसमें आपके लिए जो एलसीएम से निकल कर आया है उसके लिए उसमें ऐड कर दो, ये बताया था सर आपने, हाँ बेटा बिल्कुल सही बताया था, और आपने बिल्कुल सही बताया है आपने भी, ठीक है। अब कैसे करोगे, घंटा और मिनट, समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर 60 मिनट है और कभी भी हमारा मिनट वाला पार्ट में 60 नहीं आते हैं, 59 तक आते हैं सर, आते हैं, जैसे ही हमें यहाँ पर मिनट दिखे तो हमें देखना पड़ेगा कि 60 या 60 से ज़्यादा तो नहीं है मिनट वाला पार्ट, तो आप क्या करोगे, मिनट वाले पार्ट के लिए घंटे में चेंज कर लोगे, जैसे ही 60 मिनट हो जाएंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक घंटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इसके लिए घंटे में चेंज करना चाहें तो कैसे करोगे, चलो ये तो छोटा नंबर है 60, तो आप कहोगे सर 60 मिनट में तो एक घंटा होता है, मान लो मैं लिख दिया 240, तब कैसे करोगे, बताया था मैंने, क्या बताया था, मैंने बताया था जब भी हम मिनट वाले पार्ट से घंटे वाले पार्ट में जाएंगे तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60 × 60 मतलब कितना हो जाएगा, एक घंटा, होगी बात समझ में आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब 60 मिनट बराबर कितना हो गया, एक घंटा, मतलब 60 मिनट को हमने घंटे में चेंज कर लिया, अब घंटा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट घंटे वाला पार्ट है, तो घंटे वाला पार्ट में हम घंटे वाला पार्ट बेटा ऐड कर देंगे, तो यहाँ से एक घंटा हो जाएगा बाकी 0, तो 7 घंटा 10 मिनट, 7 घंटे 10 मिनट, देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, आ गया समझ में, जल्दी से भाई कमेंट करके बताओ सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े फिर जल्दी से बताओ, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ सर बिल्कुल आगे बढ़िए, ठीक है चलो आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो भाई
17 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन HCF निकलवाया गया है, लेकिन सिंपल नंबर में नहीं है। अगर सिंपल नंबर में दिया होता तो आप आसानी से निकाल लेते कि किस तरह से करना है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, नहीं दिया हुआ है। अब देख लो इसके लिए, और सुन लो सभी बच्चे जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम के लिए ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो, ध्यान रखो। व्हाट्सएप ग्रुप का पता नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप कब आपका डिलीट कर दिया जाए, लेकिन ये वाला जो चैनल है, ये वाला आपका हमेशा रहने वाला है, हमेशा रहेगा, ठीक है। कोई भी जानकारी होगी, कोई भी आपका मेटेरियल होगा, सब कुछ यहीं पर प्रोवाइड किया जाने वाला है। आने वाले टाइम में व्हाट्सएप ग्रुप को हो सकता है डिलीट कर दिया जाए, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान रखें, इसके लिए सभी बच्चे ज्वाइन जरूर कर लें। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, उस पर क्लिक करेंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना बात भाई, ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अगर आप हमसे भाई कनेक्ट रहना चाहते हैं तो भाई आपके लिए ये काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलो अब 2/7, 4/17 HCF पूछा गया है, इसका कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर अभी तक हमने सिंपल नंबर का निकाला है, जैसे 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 120 का, 150 का। सर इस तरह से हमने निकाला है तो उसका हम निकाल लेंगे आसानी से, लेकिन सर ये फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, तो इस तरह के फॉर्मेट का कभी भी सर आपने बताया भी नहीं है, और हम सर कर भी नहीं पाएंगे, इसीलिए कोई नहीं। अब आप समझ लीजिए कैसे करना है, ये उससे भी ज़्यादा आसान है, आप ये समझ सकते हो जो हमने सिंपल नंबर वाले किए थे। इसमें आपके लिए क्या करना पड़ेगा, सुनो, देखो जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि HCF बताओ, माशा बताओ, या कहा जाए लासा बताओ, इस तरह की फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो आप जानते हो क्या होता है, अंश, नीचे वाला पार्ट क्या होता है, हर होता है, न्यूमिरेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो HCF की जब बात की जाएगी तो ऊपर वाले का हम HCF निकालेंगे, ऑलवेज ऑलवेज HCF निकालेंगे, हमेशा मासा निकालेंगे। सुन रहे हो ध्यान से, दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, ऊपर वाले का हमेशा क्या करेंगे बेटा, हम HCF निकालेंगे जब आपसे HCF कहा जाएगा तो, और बाकी इसका साथी कौन सा होता है, LCM होता है। चैप्टर का नाम क्या है, LCM और HCF। ऊपर वाले का अगर आपसे पूछा गया है, सॉरी इसका आपसे पूछा गया है कि मासा बताओ, तो हमें ऊपर वालों को मासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा, ये नीचे वाले पार्ट का क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, लासा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं, तभी तो निकालना पड़ेगा। ऊपर वाले का HCF कहा गया तो HCF निकाल लो, और नीचे वाले को आपके लिए LCM ही निकालना है, ठीक है। तो 2 और 4 का कितना आएगा बेटा 2 HCF निकल कर आएगा, कितना, 2, तो 2 आ गया, ठीक है, अपॉन। अब नीचे वाले का क्या करना पड़ेगा, हमें LCM निकालना पड़ेगा, LCM, तो इसका आप LCM निकालोगे, निकाल के देखना 119 आएगा, तो 2/119 देख लो भाई, बता देता हूँ, देखो ये किसी से कटेगा ही नहीं, ठीक है, तो 17/119 है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा आपका, ये आंसर आ जाएगा 2/119। अब सुनो, अगर आपसे यहीं पर कहा जाता कि इनका LCM बताओ, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का LCM निकाल देना है, मतलब करना जो भी करना होगा हमें वो कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर वाले पार्ट में। अगर कहा जाएगा LCM बताओ तो ऊपर वाले का LCM निकाल दो और नीचे वाले का HCF निकाल दो। कहा जाए कि HCF बताओ तो ऊपर वाले का HCF निकाल दो, नीचे वाले का LCM निकाल दो, जो कि अभी हमने किया है। बात क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ कमेंट करके, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से करो भाई इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 19। अब भाई अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो भाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हो, और बिल्कुल अभी 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 हमने समझाया इस तरह का क्वेश्चन,
अगर ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ इसका मतलब आपका बेटा फोकस जो है वो कहाँ नहीं है, बोर्ड पर बिल्कुल भी नहीं है, इधर उधर की बातों में ज्यादा लगा हुआ है। ठीक है, कहा गया है तीन अंकों की छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट की बात की गई है, स्मॉलेस्ट हो यहाँ पर लीस्ट हो वहां पर छोटी की बात की जाएगी। छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8, 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो छोटी से छोटी की बात की जाएगी, तो वहां पर आप क्या करोगे तुरंत बेटा एलसीएम निकाल दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा इसका एलसीएम निकल के, 3 2 6 2 12 2 24 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा, 2 4 2 8 होती है 24, ठीक है, 24 इसका एलसीएम निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमारा काम क्या होगा इस क्वेश्चन में, दो तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन मैंने आपके लिए एक ही तरीका बताना जरूरी समझा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, आप ही लोग भी कंफ्यूज हो रहे थे कि सर दो मेथड बताते हो, और थोड़े डिटेल में जाके मैं समझा देता हूँ चीज़ों के लिए, तो आप टाइम जो है आपका वो ज़्यादा स्पेंड हो जाता है, लेकिन समझाना तो भाई दोनों तरीके से वो ज़्यादा बेस्ट था, मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि दो मेथड आएंगे तो मान लो कभी कभार क्या होता है एक मेथड से क्वेश्चन नहीं होता है तो सेकंड वाले से हम कर लेते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि सर दो मेथड से बताएं या सिर्फ एक ही मेथड से बताएं, आप कमेंट करके बता देना। अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन है 104, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 240 और डी ऑप्शन है 984। ठीक है, अब सुनो, कह रहे हैं कि तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से 8 से 12 से पूर्णतया, का मतलब यह हो गया कि पूरा पूरा भाग चला जाए, कंप्लीटली वो क्या है डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, तरीका एक ये था कि 4 से आप इसे डिवाइड करके देखो, फिर इसे करके देखो, फिर इसे करके देखो, इसी तरह से फिर इसे करो, फिर इससे इसे करो, फिर इससे इसे करो, इसी तरह से इसे करो, इसे करो, इसे करो, इसी तरह से लास्ट वाले को करो, मतलब आपके लिए 3 3 6 3 9 3 12 12 टाइम्स आपके लिए डिवाइड करके देखना पड़ता, लेकिन हम वैसे नहीं करने वाले हैं, तो सिंपल है, इजी है, उसके लिए करेंगे। तो हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया, छोटी छोटी की बात की जा रही थी, एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम कितना आया 24 आया। अब 24 से हम इन ऑप्शन में भाग करके देख लेंगे, जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली तो वो आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 24, देखो 104 की टेबल में तो कभी भी नहीं आएगा 24, तो 120 आएगा, 24 बन जाए कितना हो जाएगा 120, 5, मतलब 120 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, सुनना ध्यान से, आपका 24 से बेटा 240 भी डिवाइड हो जाएगा, भाग चला जाएगा, और इससे ये वाला भी आपका डिवाइड हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन भी, लेकिन हमने बी वाला ऑप्शन के लिए क्यों चूज किया, क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटी से छोटी, तो हमें छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो 120 संख्या ऐसी थी जो इन तीनों में सबसे छोटी थी, इसलिए हमने 120 के लिए सेलेक्ट कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बेटा कौन सा आ जाएगा इसमें, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भाई, चलो देखो, अब ये क्वेश्चन भाई कर लोगे, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और आप कर भी लोगे इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है, देखो फिर से देख लो, तीन गिरजाघरों की घंटियां 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, आया समझ में आया, कुछ याद आ रहा है, कुछ जल्दी सोचो क्या याद आ रहा है, क्या बताओ, जल्दी बताओ। सर बिल्कुल हमें याद आ रहा है, सर अभी आपने कहा था जहां अंतराल की बात आ जाएगी 10 15 20, जहां सर अंतराल की बात आएगी सो सर आपने हमें बताया है, हमें याद है सर आपने बताया है एलसीएम निकाल देना है, बिल्कुल बिल्कुल एलसीएम निकाल देना है बेटा, निकालो जल्दी से निकालो। तो 10, 12 और 15, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लो, तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 6 12,
यहाँ से पाँच से करेंगे तो पाँच एकम पाँच, पाँच तीन पंद्रह, तीन से करेंगे तो यहाँ से तीन दूनी छः और तीन एकम तीन, और यहाँ से दो से करोगे तो ये आ जाएगा दो गुणा पाँच गुणा तीन गुणा दो, पाँच दूनी दस या तीस दूनी साठ। सर 60 मिनट आ गया, 60 मिनट आ गया, ठीक है। अब देख लो आगे, अब क्या करना पड़ेगा, यदि वह एक साथ 8:30 बजे बजी हो तो अगली बार वह एक साथ कब बजेंगी, बताओ बेटा जल्दी से बताओ, कैसे हो गया, कैसे होगा, कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर आपने कहा था जब अंतराल की बात की जाएगी, मिनट्स के बीच में जो अंतराल होगा उसके बीच में बात की जाएगी, तो सर आपने कहा था एलसीएम निकाल देना है उन संख्याओं का, ठीक है। निकाल तो सर हमने एलसीएम भी निकाल दिया, चलो आपने निकाल दिया, अब क्या करना पड़ेगा। तो कहोगे सर, आप कहोगे सर आपने बताया था कि लास्ट में जो टाइम दिया होगा क्वेश्चन में, जो टाइम दिया होगा 8:30-9:30 बजे वह एक साथ बजी हो तो दोबारा से कब बजेंगी, जो सर टाइम पीरियड दे रखा है उसके लिए, उसके लिए हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 8:30 का टाइम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 मिनट को ऐड करना पड़ेगा। अब समस्या ये आ रही है कि कभी भी हमारा मिनट वाले पार्ट में 60 नहीं होता है, 59 तक होता है, 60 कभी नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक घंटा बनना पड़ेगा, घंटे में चेंज करना पड़ेगा। अब घंटे में चेंज करोगे तो 60 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 60 एकम 60, तो एक घंटा आ गया। तो यहाँ से 9:30 ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा है बेटा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 21 की अगर बात करें तो भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, आप जानते हो। जल्दी से बताओ भाई कमेंट करके कौन सा इसमें आने वाला है। क्वेश्चन 21, 48, 144, 576, इसका एचसीएफ निकाल के बताना है, मासा निकाल के बताना है 48, 144 और 576, इसका एचसीएफ निकाल के बताना है, मासा निकाल के बता। एक मिनट का टाइम है, जल्दी से करो, जल्दी से करो बच्चों, कितना आने वाला है भाई, कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कमेंट करके। देखो एचसीएफ पूछा गया है तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लगे हुए हैं तो 48 से भाग देंगे किसके लिए, 144 के लिए, ठीक है। कितना जाएगा, 3 चला जाएगा, 3 8 24 और 3 4 12 और 2 14, ठीक है, यहाँ से कट जाएगा। तो बेटा ये क्या निकल कर आ जाएगा आपका एचसीएफ, किसका, इन दो संख्याओं का एचसीएफ आ गया। तो 48 से अब हम करेंगे इसमें 576 में डिवाइड, तो 48 बन जाए 48, यहाँ से क्या बचेगा 96, 48 दूनी 96, तो कितना आ जाएगा बेटा एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ जाएगा 48, ऑप्शन कौन सा है इसमें। तो बेटा इसमें ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो रहा है, कौन सा, 48। भाई बच्चों का आंसर सही आया लेकिन कुछ का नहीं आया है तो कोई नहीं, मैं तो यही कहता हूँ भाई कोई नहीं, आप प्रयास करते रहिए, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल सही होगा, बस प्रयास करते रहिए, करने की कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बस यही मैं आपसे चाहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, बार 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 क्लास को बार बार देखो, समझ में आ जाएगा, आज नहीं तो कल आना तो है, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। मैथ्स की भाई जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतने अच्छे से आपके लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आया। तो हमारे आज बेटा क्वेश्चन 21 कंप्लीट हो चुके हैं, 21 ही हुए हैं ना, 21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और
अभी तक आपने पुरानी क्लास को नहीं देखा है, नए हैं तो पुरानी क्लास को भाई जाकर सभी बच्चे देख लें। सभी बच्चे जिन्होंने नहीं देखा है, जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं रेगुलर, नोट्स नहीं बनाए हैं, नोट्स बना लीजिए सभी बच्चे। उसकी सभी की प्लेलिस्ट नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और नहीं तो मैंने एक वीडियो शूट करी है, बताया है आपके लिए किस तरह से देख सकते हैं। शायद परसों ही मैंने उस पर वीडियो के लिए डाला था, अपलोड किया था चैनल पे, वहाँ पर भाई उससे देख लिए, देखिए जाकर कि किस तरह से आप सारे क्लास को देख सकते हो। भाई देखो जाकर, सब क्वेश्चन कराए गए हैं अरिहंत बुक से। नहीं करोगे तो भाई नुकसान आपका ही है, मेरा नुकसान नहीं होने वाला है। मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ा रहा हूँ डेली आपके लिए, और भाई आप नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन ऐसे होने वाला नहीं है भाई, मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए भाई क्लास पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को भाई लाइक करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपके लगता है कि यहाँ पर भाई अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ में। जो आपके दोस्त जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए जरूर बताइएगा कि इस चैनल पर एक बार पढ़ के जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नई क्लास साथ में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।